देखिए, कल 10 बजे करीब रात में एक वारदात हुई थी पड़ाव में, क्लॉक टावर एरिया में, जिसमें कि ठगी की वारदात थी। मूलतः आपके सभी के जानकारी में है कि कुछ इस तरह की वारदातें कुछ गैंग करती हैं, जो व्यक्ति को चकमा दे करके या धोखे में रख करके उसका सामान, उसका बैग वगैरह ले जा छीन करके ले जाते हैं, या फिर उठा करके चुपके से ले जाते हैं। कल की जो वारदात थी, इसमें दो व्यक्ति थे, राहुल सोनी और उनके रिलेटिव कैलाश सोनी, जो कि अपने बैग में कुछ सोने का आइटम्स और नकदी लेकर के कहीं जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा पैसे गिर जाने की बात कह करके उन्हें गुमराह किया गया, उनका ध्यान बटाया गया, और इस प्रोसेस में जो उसके अन्य साथी थे गैंग के, उन्होंने गाड़ी में रखा हुआ वो बैग पार कर दिया, जिसमें कि लगभग 80 से 100 ग्राम के बीच में सोना था और लगभग 20,000 रुपये नकद थे। इस वारदात के बाद से ही पूरी क्लॉक टावर थाने की टीम, हमारे CO साहब, सभी लोग रात में ही लग गए, और रात में 4 बजे तक इन जो बदमाश हैं 5 व्यक्ति, इस पूरी गैंग की लोकेशन ट्रैक कर ली गई, और मॉर्निंग तक इन सभी को राउंड अप कर लिया गया। ये लोग जिन्हें राउंड अप किया गया, इनके नाम हैं, एक है रिसन, दूसरा आर मुगम, तीसरा अजय मारन्ना, चौथा सती वेल और पांचवा अमर नारायण। ये सभी नंदुलबार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मूलतः ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो कि पर्टिकुलर अलग अलग जगहों पर जाते हैं गैंग के रूप में, और वहाँ पहुँच कर इसी प्रकार से, इसी मॉडस ऑपरेंडाइज से लोगों को गुमराह करके कभी उनके जेवर ले लेना, कभी उनके बैग पार कर देना, इस तरह की वारदातें करते हैं। इनको पकड़े जाने के बाद में अब इनसे इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन की प्रोसेस होगी। इनके पास जो सामान इन्होंने चुराया था उसकी रिकवरी की जा रही है, और इस पूरी प्रोसेस में ये भी पता चला है कि इनके पास 2 ऐसे बच्चे भी हैं जो कि माइनर हैं, जिनका इनके साथ में सीधा लिंक अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। इनका कहना है कि हमारे बच्चे हैं, पर बच्चे अलग भाषा बोलते हैं, ये लोग अलग भाषा बोलते हैं, इसलिए वो बात जो है वो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है कि वो बच्चे इन्हीं के हैं या नहीं हैं। इसलिए वो बच्चे भी रेस्क्यू किए गए हैं, उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और उनके बारे में अन्य डिटेल पता किए जाएंगे, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि वो बच्चे ये लोग कहीं से किडनैप करके या फिर किसी इसी पर्पज़ से। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि माता पिता खुद अपने बच्चों को कुछ पैसों के लालच में इस तरह की गैंग के हवाले कर देते हैं, क्योंकि माइनर बच्चे इस तरह की वारदातों में शामिल होते देखे जा रहे हैं। इस पहलू पर भी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और यदि ये पता चलता है कि इन बच्चों को इन्होंने कहीं पर भी किसी तरह की वारदात में इस्तेमाल किया है, तो इनके खिलाफ JJ एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएंगी। अभी बाकी अनुसंधान की प्रक्रिया जारी है, हो सकता है इसमें से कई वारदातों के बारे में जानकारी निकले। अजमेर में कब से आए? अजमेर में ये अभी रिसेंटली आए हैं, 2 दिन पहले, और यहाँ पर इन्होंने ये पहली वारदात की थी। देखिए, इससे पहले ये जहाँ जहाँ से होकर के आए हैं, वहाँ के कंसर्निंग थानों से हम बात कर रहे हैं। अभी इनसे भी इंटरोगेशन किया जाएगा, हो सकता है इनसे हमें कई वारदातों का एग्जैक्टली पता चल जाए। पर जिन जिलों में ये रुक करके आए हैं, क्योंकि ये बाकायदा होटल में रुकते हैं, अपनी ID देते हैं और एक सिविलाइज्ड व्यक्ति की तरह वहाँ पर रहते हैं, लोगों को भनक नहीं लगती कि ये कोई गैंग हो सकती है, इसके बाद में ये अपनी मोडस ऑपरेंडाई पर वारदात को अंजाम देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये रुक करके आए हैं, अपने राजस्थान में एक अन्य जगह पर इनके रुकने के बारे में जानकारी मिली है, वहाँ की पुलिस से संपर्क करके ये पता करने की कोशिश हो रही है कि क्या उनके यहाँ पर इस तरह से चकमा दे करके, हिप्नोटाइज करके या फिर बेवकूफ़ बना करके ठगी करने की कोई रिसेंट वारदात हुई है या नहीं हुई, वो सब चीज़ें जो है इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी उसमें बहुत सारी जानकारियाँ की जाने बाकी हैं। देखिए, नॉर्मली ये लोग ये करते हैं कि वारदात करने के बाद में अगर इन्हें लगता है कि पर्याप्त माल मिल गया, तो ये वहाँ से रवाना हो जाते हैं, किसी अन्य जिले की ओर चले जाते हैं। यदि इन्हें लगता है कि इनकी तलाश हो रही है, बहुत गंभीरता से पुलिस लगी है, तब भी ये इलाका छोड़ देते हैं। पर इनकी कोशिश यही रहती है कि इनके बारे में पता नहीं चले और ये चुपचाप अपनी वारदातें 3-4 दिन तक वहीं पर रह के कर सकें, उसके बाद में ये वहाँ से रवाना होते हैं। क्योंकि इस प्रकरण में वारदात होने के कुछ ही घंटों में पूरे थाने की टीम ने लग करके इन लोगों को पकड़ लिया, इसे इन्हें एहसास भी नहीं हो पाया कि पुलिस को इनके बारे में पता चल गया और पुलिस इनके होटल तक पहुँच गई। 5 लोगों के बारे में और वो 2 बच्चे, अभी तक ये यही लोग हैं इसमें।